इस्लाम में इसे मुस्लिमों का फर्ज माना जाता है। इस्लाम के 5 फर्ज में से एक है हज यात्रा, और बाकी हैं कलमा, रोज़ा, नमाज और ज़कात। धार्मिक मान्यता कहती है कि अगर शारीरिक और आर्थिक रूप से कोई मुसलमान सक्षम है तो उसे अपनी ज़िंदगी में कम एक बार इस फ़र्ज को निभाने का दायित्व है। इसीलिए हर साल दुनिया भर से बड़ी तादाद में लोग हज करने सऊदी अरब के मक्का पहुंचते हैं। इस साल भी कई लोग हज करने को पहुंचे, मगर जानलेवा गर्मी ने इनमें से कई लोगों को मौत के मुँह में ढकेल दिया। आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। सऊदी अरब में हज के दौरान 600 से ज्यादा हज यात्रियों की मौत हो गई है। इतनी बड़ी तादाद में हज यात्रियों की मौत की खबर के बाद भारत से हज के लिए गए तीर्थयात्रियों के परिवारों की चिंता बढ़ गई है। भारत से इस साल 1,75,000 यात्री हज के लिए गए थे। बुधवार को यात्रा से जुड़े एक डिप्लोमेट ने बताया कि मरने वाले लोगों में 68 भारतीय भी शामिल हैं। ये मौतें पिछले एक हफ्ते के दौरान हुई हैं और हज के आखिरी दिन 6 भारतीयों की मौत हुई है। डिप्लोमेट की माने तो कई मौतें प्राकृतिक कारणों और बुजुर्गों की हुई है, जबकि कुछ मौतों की वजह भीषण गर्मी है। भारतीय नागरिकों की मौत पर अभी तक भारत सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान या ट्वीट सामने नहीं आया है। बढ़ रही हज यात्रियों की मौतों की संख्या, AFP न्यूज एजेंसी के मुताबिक 577 हज यात्रियों की मौत भीषण गर्मी से हुई है, लेकिन गुरुवार को AFP की नई रिपोर्ट के मुताबिक ये संख्या 645 हो गई। पिछले साल हज के दौरान 200 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई थी। मरने वाले हज यात्रियों में सबसे ज्यादा मिस्र के नागरिक हैं। हज के दौरान मारे गए 600 से ज्यादा हज यात्रियों में सर्वाधिक 323 मिस्र, ट्यूनिशियाई से 35, इंडोनेशिया से 44, जॉर्डन से 41 और भारत से 68 और ईरान से 11 नागरिक शामिल हैं। खबरों के मुताबिक मारे गए हज यात्रियों के शव वापस देश नहीं भेजे जाएंगे, उनका दाफना सऊदी अरब में ही किया जाएगा। दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज का असर देखने को मिल रहा है। खाड़ी देश इसका ज्यादा शिकार हो रहे हैं। ओमान, सऊदी अरब और UAE जैसे देश में गर्मी के साथ साथ बारिश भी बढ़ी है। सऊदी अरब का तापमान आमतौर पर 45 डिग्री के दरमियान रहता है, लेकिन इस साल ये तापमान 50 डिग्री के पार पहुँच गया। सऊदी अरब के सरकारी TV की खबर की माने तो मक्का की ग्रैंड मस्जिद में इस साल तापमान 51 डिग्री तक पहुंच गया।